नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। एक बार राजेश खन्ना ने एक डायरेक्टर से कहा, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, किसी और को देख लो जिसका टाइम अच्छा हो। क्या था ये किस्सा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। राजेश खन्ना ने जैसा स्टारडम देखा वैसा किसी दूसरे स्टार को कभी नसीब नहीं हुआ। अलग अलग दौर में इंडस्ट्री में तमाम कलाकार आए, लेकिन कोई काका की बराबरी नहीं कर पाया। 70 के दशक में वो हिट फिल्म देने की गारंटी बन गए थे। इंडस्ट्री के तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे टहला करते थे। काका के बंगले आशीर्वाद में महफिलें सजा करती थी। खुद काका कुर्सी पर बैठा करते थे, जबकि तमाम मेहमान हॉल में नीचे ही बैठकी लगाते थे। हालांकि राजेश खन्ना अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए। बाद के दिनों में ऐसा भी वक्त आया जब उनकी फिल्में पिटने लगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे कतराने लगे। काका ने अपना कैरियर संभालने की कोशिश भी की। इसी जद्दोजहद में कई औसत फिल्में साइन कर ली, सीरियल्स में भी हाथ आजमाया, लेकिन पुराना दौर बीत चुका था। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान काका के डाउनफॉल के दिनों का ऐसा ही एक किस्सा बयान करते हैं। उस्मान डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के हवाले से लिखते हैं कि जब उन्होंने आपकी कसम फिल्म बनाने का फैसला किया, तब राजेश खन्ना का समय अच्छा नहीं चल रहा था। जे ओम प्रकाश ने जब राजेश खन्ना को अप्रोच किया तो काका ने ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर वो हैरान रह गए थे। राजेश खन्ना ने कहा था, आप जिंदगी में पहली बार डायरेक्शन में हाथ आजमा रहे हैं, अभी मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी पहली फिल्म के लिए कोई ऐसा आर्टिस्ट देख लीजिए जिसका वक्त ठीक चल रहा हो, ताकि आपकी फिल्म भी चल जाए और बिजनेस भी खराब ना हो। तब जे ओम प्रकाश ने राजेश खन्ना को जवाब देते हुए कहा था, काका ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन अगर ये फिल्म बननी है तो मैं आपका इंतजार करूंगा, अगर नहीं बननी है तो आप हो या कोई और, ये नहीं चलेगी। ये सुनकर राजेश खन्ना खुश हो गए और फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। जब राजेश खन्ना का डाउनफॉल चल रहा था, उन दिनों वो बासु भट्टाचार्य के साथ मद्रास में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। काका लग्जरी गाड़ियों से ही शूटिंग के लिए जाते थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी डर होता था कि अगर काका को लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी तो खफा हो जाएंगे। लेकिन उस दौर में जब काका का वक्त खराब चल रहा था, तब मद्रास एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए एक टैक्सी पहुंची। राजेश खन्ना सालों से टैक्सी में नहीं बैठे थे। पहले तो वे काफ़ी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि अब वक्त के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। नाकामी के दिनों में एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना का दर्द छलक पड़ा था। तब उन्होंने कहा था कि पहले मेरा ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था, लेकिन अब कोई एक फूल भी नहीं भेजता है। काका ने बात संभालते हुए कहा कि चूंकि वे फिल्मों से कट गए, इसीलिए प्रशंसक भी उनसे दूर हो गए। यह बताते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी टीस दिख रही थी। जय जय शिव शंकर। और जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, इन सदाबहार गानों को आपने कई बार सुना होगा। हिंदी सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की डेब्यू फिल्म आपकी कसम के ये गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म की कहानी और गाने लोगों को इतने पसंद आए थे कि जे ओम प्रकाश अपनी पहली फिल्म से हिट साबित हो गए थे। फिल्म की कहानी
एक शादीशुदा जोड़े के बारे में है कि कैसे एक संदेह पूरे रिश्ते को तबाह कर देता है। कमल यानी कि राजेश खन्ना एक आर्थिक रूप से कमजोर घर से आता है, जिसे अपनी कॉलेज की साथी सुनीता से प्यार हो जाता है, जो एक अच्छे परिवार से आती है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में कमल को संदेह होने लगता है कि उसके दोस्त मोहन के साथ सुनीता का रिश्ता है। इस गलतफहमी के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फिल्म का पहला भाग रोमांटिक गानों से भरपूर है तो दूसरा भाग गंभीर हो जाता है। निर्देशक जे ओम प्रकाश राकेश रोशन के ससुर और ऋतिक रोशन के नाना थे। वे हमेशा ऐसी फिल्में बनाते थे जिनके नाम ए अक्षर से शुरू होते थे और जो समाज के बारे में बात करती थी। एक बार उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की तो पहली फिल्म आपकी कसम का नाम ए से था और यह हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने जितने भी फिल्में बनाई उनके नाम ए से ही रखे। एक बार अलग अक्षर से फिल्म बनाई तो वो चली नहीं और इसके बाद उन्होंने कभी दूसरे अक्षर से फिल्म नहीं बनाई। फिल्म में राजेश खन्ना का अभिनय बहुत शानदार है। वो एक रोमांटिक हीरो से धीरे धीरे अपनी पत्नी पर संदेह करने वाले पति बन जाते हैं और अंत में पश्चाताप करने वाला व्यक्ति बनते हैं। फिल्म के बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जाता है कि फिल्म 90 लाख में बनी थी। वहीं फिल्म ने भारत में 1,60,00,000 की कमाई की थी। फिल्म की शूटिंग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई थी। इस फिल्म को यूके के नटराज इंडियन सिनेमा थिएटर में भी ओपनिंग सेरेमनी के दौरान दिखाया गया था। राजेश खन्ना और संजीव कपूर की साथ में फुल टाइम ये पहली फिल्म थी। इससे पहले संजीव कुमार राजेश खन्ना की फिल्म बंधन में गेस्ट अपीयरेंस में आए थे। वहीं आक्रमण में राजेश खन्ना ने भी केवल गेस्ट अपीयरेंस ही किया था। फिल्म का क्लिपिंग शॉट अभिनेता धर्मेंद्र ने लिया था। इस फिल्म से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। फिल्म का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गाना जय जय शिव शंकर पहले ऐसा नहीं होने वाला था। पंचम दाने गाने के लिए कोई और धुन तैयार की थी, लेकिन जब उन्होंने राजेश खन्ना को अपने ही अंदाज में गाने को गुनगुनाते हुए देखा तो उनको वो धुन काफ़ी पसंद आई। इसके बाद उन्होंने काका के अंदाज में ही फिल्म के गाने को शूट किया था। हालांकि राजेश खन्ना को इसका क्रेडिट नहीं मिला। फिल्म में एक गाना और था, सुनो कुछ कहो। गाने को रिकॉर्ड के दौरान लता मंगेशकर काफ़ी परेशान थी। पंचम दा जो चाह रहे थे वो उन्हें सही ढंग से नहीं निभा पा रही थी। तब किशोर कुमार ने लता मंगेशकर की मदद की और उन्हें कहा कि ऐसे सोचकर गाना गाओ कि इस कमरे में कोई नहीं है, तुम अलग कमरे में गाना गा रही हो। इसके बाद लता मंगेशकर ने शानदार तरीके से गाने को गाया था। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।